बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद नईम और मैं हूं सज्जाद जट। सज्जाद भाई, क्या देखना है आज हमने? तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि बांग्लादेश के एक मतलब बांग्लादेशी बॉय हैं सादात रहमान, तो उनको बच्चों की तरफ मतलब बच्चों का नोबल प्राइज जो है वो मिला है, जो कि मलाला यूसुफजई जो के पाकिस्तान से होंगे। हाँ, तो उन्होंने मतलब नैदरलैंड में उनको इस अवार्ड से नवाजा है और बांग्लादेश के लिए ये एक फख्र की बात है। तो मतलब सादात ने यही कहा कि अवार्ड लेने पर वो मतलब फख्र महसूस कर रहे हैं कि एज अ बांग्लादेशी उनको ये अवार्ड मिला है। तो देखते हैं आज का ये वीडियो बिना कोई देर किए, जो दोस्त फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को दबा दें, हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखें। ओके, तो गाइस ओरिजिनल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सोमोए टीवी जो कि बांग्लादेश का एक फेमस न्यूज टीवी चैनल है, उनका ये वीडियो है। तो ऑल क्रेडिट गोज टू दिस चैनल। तो देखते हैं जी आज का वीडियो बिना कोई देर किए। সাইবার বুলিং যার শিকার হয় উন্নত দেশ থেকে শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অসংখ্য কিশোর কিশোরী, বাংলাদেশেও প্রায় 49% কিশোর কিশোরী এরকম সাইবার বুলিং এর শিকার হয়, কিন্তু নিজেদের সমস্যা কাউকে বলতে পারে না তারা। পুলিশ তো দূরের কথা, অনেকেই নিজের বাবা মাকেও এ ব্যাপারে কিছু জানাতে পারে না। তেমনি সাইবার বুলিং এর শিকার হয়ে পিরোজপুরের দশম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার ঘটনা নাড়া দেয় নড়াইলের সাদাত রহমানকে। সাইবার অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষায় শুরু করে সচেতনতামূলক কাজ, তারই অংশ হিসেবে অনলাইনে নির্যাতনের শিকার হওয়া শিশু কিশোরদের সাহায্য করতে গত বছরের অক্টোবরে তৈরি করে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম সাইবার টিনস। এই অ্যাপের মাধ্যমে ভুক্তভোগী কিশোর কিশোরীদের সঙ্গে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যোগাযোগ সৃষ্টি করা হয়, ভুক্তভোগীকে দেয়া হয় মানসিক সাপোর্ট। সাদাত রহমানের এই উদ্ভাবনের জন্য এবছর আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কার দেওয়া হলো। শুক্রবার নেদারল্যান্ডসের হেগে এক অনারম্ভর অনুষ্ঠানে বিজয়ী মালালা ইউসুফজাই উনি মতলব মালালা ইউসুফজাই সাদাত রহমান ফর হিজ এক্সট্রাঅর্ডিনারি ওয়ার্ক টু কমব্যাট সাইবার বুলিং ইন হিজ হোম কান্ট্রি অফ বাংলাদেশ জয়েন ইন ওয়েলকামিং দ্য 2020 ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন পিস প্রাইজ উইনার সাদাত রহমান। যাদের একজন নড়াইলের কিশোর সাদাত রহমান। টুডে আই ফিল সো প্রাউড টু রিপ্রেজেন্ট বাংলাদেশ অ্যামং সো মেনি ইম্পর্টেন্ট পিপল। শিশুদের অধিকার, উন্নয়ন ও নিরাপত্তায় অসাধারণ অবদানের জন্য প্রতিবছর আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়। গত বছর সুইডেনের শিশু পরিবেশ কর্মী গ্রেটা থানবার্গ ও ক্যামেরুনের ডিভিনে মালম যৌথভাবে মর্যাদাপূর্ণ এই পুরস্কার পান। 2013 সালে এই পুরস্কার বিজয়ী মালালা ইউসুফজাই পরের বছর জয় করেছিলেন শান্তিতে নোবেল। রবিউল ইসলাম আওলাদ, সময় সংবাদ। ओके गाइस, तो ये था वीडियो आज का जो हमने देखा है। तो मतलब सादात रहमान जो के बांग्लादेशी एक बॉय है, तो उनको पाकिस्तानी एक गर्ल मलाला यूसुफजई जो के पहले ही नोबल इनामी याफ्ता है और तो पॉपुलर है। हाँ, काफी फेम है उनकी पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड में बहुत फेमस हुई थी मलाला यूसुफजई, एवरीवन नोज अबाउट हर। तो उनकी जानब से मतलब उनके हाथ से जो है ये प्राइज मिलना और बांग्लादेश के लड़के को ये इनाम मिलना फख्र की बात है बांग्लादेश के लिए। तो जैसा कि सादात रहमान ने भी बोला है कि एज अ बांग्लादेशी ये नोबल प्राइज मुझे मिला है, पीस चिल्ड्रन पीस जो नोबल प्राइज मिला है, तो एक फख्र की बात है। तो बिल्कुल जी फख्र की बात है उनके लिए और मतलब बच्चों के राइट्स के लिए जितने भी लोग हैं जो भी है यार सबको काम करना चाहिए। और बच्चे जो होते हैं वो हर कंट्री का मुस्तकबिल होते हैं, फ्यूचर होता है, चिल्ड्रन जो होते हैं फ्यूचर होता है हर कंट्री का। तो उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो एक अच्छी बात है। सादात रहमान जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको ये बहुत ज़बरदस्त जो है नोबल प्राइज़ मिला है इसके लिए। थैंक यू तमाम बांग्लादेश को कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, यही बोलेंगे। तो अब लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।